लोग आपको इग्नोर करते हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं, आपके साथ रहना नहीं चाहते, हमेशा आप ही सबको मैसेज या कॉल करते हो, आपको कोई भी नहीं करता। जब वक्त आता है तो आप खुद को अकेले पाते हो, आपके साथ कोई नहीं रहता है, लोग उतना वैल्यू नहीं करते आपकी। रिजेक्शन, इग्नोर होना, खुद को अनअट्रैक्टिव फील करना, अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आज मैं आपको सिर्फ 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बाद लोग आपकी झक मार के वैल्यू करेंगे, लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, हमेशा कॉल मैसेज करेंगे, कोई भी आपको रिजेक्ट इग्नोर नहीं कर पाएगा, हर कोई आपके लिए तरसेगा और फिर आप उन्हें दिखाओगे अपना एटीट्यूड। तो अगर लोगों को उनकी औकात दिखाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर दोगुना हो जाता है। पॉइंट नंबर 1, लोगों को अपना बनाना सीखो। कहा जाता है, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपो शीतल होए। ओवरऑल द कॉन्सेप्ट इज कि अगर आप लोगों से मीठी मीठी बातें करते हो, एकदम शांति से बातें करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनको एप्रिसिएट करते हो, उनकी तारीफ करते हो, तो होता क्या है कि नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते हैं। दुनिया में हर कोई झल्लाया हुआ रहता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, वो सामने वाले की इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, और हर इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए। आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको कितना गुस्सा आता है। अगर आप लोगों से मीठी मीठी बातें करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनको छोटी छोटी बातों पर एप्रिसिएट करते हो, उनकी तारीफ करते हो, इसमें आपका कुछ जाएगा तो नहीं, लेकिन फायदा बहुत बड़ा वाला होता है। जब भी आप अकेले पढ़ते हो ना, ये लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ये लोग ना आपकी मीठी बातों से आपके अपने हो जाते हैं। आपने अपने जिंदगी में किसी न किसी ऐसे बंदे को जरूर देखा होगा जो लोगों से बहुत रिस्पेक्ट करके बात करते हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। जस्ट बिकॉज ह्यूमन माइंड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे जो भी इंसान रिस्पेक्ट देता है वो इसे अपना लगने लगता है और ये बार बार उससे ही बात करना चाहता है, उससे बात करने के लिए तड़पता है। तो सेम बाय सेम बाकी लोगों के साथ भी होगा। अगर आप उनसे प्यार से बात करते हो, उन्हें इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो, तो लोग आपसे बात करने के लिए तरसने लगते हैं। पॉइंट नंबर 2, जो इग्नोर करे उसे उसकी औकात दिखा दो। लोगों को बता दो कि बॉस ऐसा है ना कि हम शरीफ हैं, लेकिन जब कोई उंगली करता है ना तो उसकी हड्डियां तोड़ने की भी ताकत रखते हैं। भाई साहब, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है या जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ना उसे पूरा छोड़ दो, अपने काम पे लगो, अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करो। जब तुम किसी के पास होते हो, अवेलेबल होते हो, तब वो तुम्हारी कद्र कभी भी नहीं समझता, लेकिन जब तुम उस इंसान को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर देते हो, तब उसे समझ में आता है कि मैंने क्या खोया है। मेरे साथ भी हो चुका है ऐसी एक कहानी। एक ऐसा इंसान था जो मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसने मेरी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहता था, लेकिन वो मुझसे बात करने से भी कतराता था। एक वक्त आया जब मुझे लगा कि मैं मिन्नतें करते करते खुद की नजरों में गिर रहा हूँ, तब जाकर मैंने उसे छोड़ दिया, पूरी तरह से जाने दिया। धीरे धीरे उसे एहसास हो गया कि उसने क्या खोया था लेकिन तब तक मैं बहुत आगे निकल चुका था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था उस इंसान से। मैंने उसी दिन सोच लिया था, जा भाड़ में जा, और आज उसका मैसेज आता तो है लेकिन मेरा रिप्लाई जाता नहीं। वो इंसान मेरे लिए तड़पता तो है लेकिन मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये चीज दिमाग में रखो, जो भी आपकी वैल्यू नहीं करता उसे नेगलेक्ट कर दो पूरी तरह से। एंड में एक दिन उसे एहसास जरूर होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी थी। पॉइंट नंबर 3, खुद से प्यार करना सीखो। ये दुनिया जो है ना, इसे लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों पर हंसना, लोगों पर कमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। जो कमजोर है उसे दबाता है, जो मजबूत है उसे सपोर्ट करता है, लेकिन ये दुनिया और दुनिया के लोग हमेशा सिर्फ एक इंसान से हारता है, और वो इंसान होता है जिसे खुद से प्यार होता है। अगर आपको खुद से प्यार होता है तो आपका कोई मजाक उड़ा नहीं सकता, क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको पता है कि आप कौन हो। आप खुद को जैसे ही पावरफुल समझने लगोगे तो सामने वाले को झुकना पड़ेगा। आप अगर खुद को बेस्ट समझते हो तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी, लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद को जो समझते हो, जो बनाते हो, वही बनते जाते हो। जब आप खुद की वैल्यू समझने लगते हो, खुद से प्यार करने लगते हो, तो आपको लोगों से फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई आपके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, मैटर ही नहीं करेगा ये सब चीजें। आपको किसी से भी फर्क ही नहीं पड़ेगा, और तब देखना सामने वाला इंसान आपसे बात करना चाहेगा, जस्ट बिकॉज वो भी आपकी तरह बनना चाहेगा। हर कोई जो आपसे मिलता है
वो आपकी तरह बनना चाहेगा। जो भी लड़की आपसे मिलती है उसे आप पसंद आओगे, क्योंकि जो भी इंसान खुद से प्यार करता है ना, खुद को सबका बॉस मानता है ना, दुनिया उसे बॉस बना देती है। कोई राजा होता है और कोई भिखारी होता है, सोच सोच की फर्क होती है। इसलिए खुद से प्यार करो, सबसे पहले खुद को दुनिया का किंग समझो। देख लेना लोग तुम्हारी तरफ बनना चाहेंगे, लोग तुम्हारी वैल्यू करेंगे। सिंपल सा सोचो, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम किंग हो। देखना लोग तुम्हारी कितनी वैल्यू करने लगते हैं। इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करना, ध्यान से सुनना और फिर फॉलो करना, देखना तुम्हारे लाइफ में कितने फायदे मिलते हैं। भाई साहब वीडियो को एक लाइक कर दें अगर वीडियो में थोड़ा सा भी दम लगा हो तो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।